का सो दिल तो हैप्पी है जी में, आज हैप्पी बना रही हैं हनी के लिए केक। जी हाँ, हैप्पी रॉकी और हनी के साथ कर रही थी टाइम स्पेंड, वहीं हैप्पी हनी के कहने पर बना रही हैं केक। लेकिन केक बनाते बनाते हैप्पी का हाथ जल जाता है, जिसे देख रॉकी हो जाते हैं परेशान और हैप्पी के हाथ को डाल देते हैं ठंडे पानी में। इतना नहीं, रॉकी का कंसर्न देख हैप्पी चली जाती हैं सपनों की दुनिया में, जहां वो अपने और रॉकी की शादीशुदा जिंदगी और हनी उनका बच्चा ये सब इमेजिन करने लगती हैं। हम आपको बता दें, ये हैप्पी का सपना भी बड़ा क्यूट था, जहां रॉकी और हनी नहाते हुए आते हैं और हैप्पी अपने बाल को झटकाती हैं। इतना ही नहीं, जहाँ हैप्पी हमेशा के लिए रॉकी और हनी से दूर अमृतसर जा रही थी, वहीं अब हनी के कहने पर हैप्पी खुद को रोक लेती हैं। होता ये है कि गीजर फटने से हनी हो जाते हैं घायल, और जब ये बात हैप्पी को पता चलती है तो वो फ़ोन पे हनी से लास्ट टाइम बात करने लगती हैं। हैप्पी जब हनी से मिलने रॉकी के घर जाती हैं तो रॉकी की माँ हैप्पी को दरवाजे पर ही बेइज्जती करती हैं और उन्हें वहीं रुकने को बोलती हैं। इसे देखकर रॉकी अपनी माँ को रोक देते हैं और ये कहते हैं कि हनी को हैप्पी की ज़रूरत है, और हैप्पी को ले जाते हैं हनी के पास। अब हनी के साथ हुए हादसे ने हैप्पी को रॉकी से दूर जाने से रोक लिया, तो क्या हनी की रॉकी और हैप्पी को फिर से एक साथ प्यार के बंधन में बांधेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। फिल्मी अड्डा से शिवांगी शुक्ला की रिपोर्ट। एक्चुअली खुशियाँ तो मतलब वो हम लोगों ने ढूंढ ली, बट वो खुशी भी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि आखिरी दिन है मेरा अमृतसर में रुकने का, और मैं हनी को, मैं चाहती हूँ कि हनी एक दिन मेरे साथ रुके। तो फिर रॉकी भी बोलता है कि ठीक है, मैं अभी मम्मी को देखने के लिए आ जाता हूँ। तो बस वही सब वहाँ पे इमोशनल एक मूवमेंट है, मेरा हाथ जल जाता है, तो रॉकी भाग के आ जाता है कि कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें, पानी वाने मेरा हाथ डालता है। तो वो सब इमोशंस के बाद फाइनली हम लोग अलग होते हैं। मैं अपने अमृतसर से बाहर जाने की तैयारी में लग जाती हूँ, और जो रॉकी है, रॉकी भी अपने घर में आ जाता है। फिर आखिरी में मुझे ऐसा होता है कि मैं एक बार हनी से बात कर लूँ, लास्ट जो फाइनल है जो मैं जा रही हूँ, तो मैं बात करती हूँ। मैं जब बात तो अभी मैं फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया, तो मैं भागी भागी यहाँ पे आ जाती हूँ कि क्या हो गया, हनी ठीक तो है ना। रॉकी की मम्मी बिकॉज पसंद नहीं करती है मुझे, और वो मुझे अंदर नहीं आने देती, उनको लगता है कि सब कुछ हैप्पी की वजह से ही हो रहा है। तो बस अभी रॉकी जो है वो मना लेता है मम्मी को, फिर मुझे अंदर आने देता है। हाँ, हरलीन का भी हिस्सा तो रहेगा ही, ऑब्वियसली हरलीन ही थी जिसने मुझे सबके सामने, मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया। मैं आप भी वो अपना बाइट, उसने जैसे मैं आपको बाइट देती हूँ तो ऑथेंटिक हो जाता है, तो ऐसा बाइट दे दिया उसने। तो अब मैं परेशान हो गई अभी कि कैसे, अब मुझे तो फाइनली यहाँ से नौकरी वॉकरी से निकाल दिया, सब हो गया, मुझे फाइनली तो यहाँ से जाना ही है, ताकि मैं रॉकी की लाइफ से भी चली जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो सब कुछ प्रॉब्लम तो वो कर ही रही है, बट अभी शायद डॉक्टर ने बोला है कि हैप्पी को, हनी को हैप्पी की ज़रूरत है, तो रॉकी शायद ऐसा नहीं होने देगा कि मुझे जाने नहीं देगा, वो रॉकी से थोड़ा डरती है हैप्पी। हाँ, बहुत सारे फ्लैश बैक्स, हम लोग जब केक वेक बना रहे थे और हाथा जल गया, तो वहाँ पे फ्लैश बैक्स या फ्लैश फॉरवर्ड्स कहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इमेजिन करते हैं, मैरिड, सिंदूर लगा हुआ, कि वो हनी जो बच्चा है वो हमारा है, तो वो तीन चार ऐसे इमेजिनेशंस हैं हमारी, बट इवेंचुअली इमेजिनेशन है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। तो रियलिटी में जब हम लोग वापस आते हैं तो फिर एहसास होता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे हनी और हैप्पी को, अगर हनी को और रॉकी को खुश रखना है तो जाना पड़ेगा अमृतसर छोड़। थैंक यू।